नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपन को स्वागत। वर्तमान भारत पई बहुत गोटे खुशी खबर आसिक पहुँची। यूनाइटेड नेशन किमा जातिसंघर भारत को गोटे बड़ सफलता मिली, जोटा कि भारत बहुत दिन स्वप्न थिला कि यूनाइटेड नेशन रे परमानेंट मेंबर होवाई किसी मात्रा रे भारत बाट खोली जाइछि कि नियर फ्यूचर रे भारत एक्चुअली यूनाइटेड नेशन रे परमानेंट मेंबर होवा को जाउछि। डिटेल्स बुझिबा कि वर्तमान को सफलता भारत को मिली जातिसंघ रु कि यूनाइटेड नेशन। आर्टिकल देखिपुर द क्विंटर आर्टिकल, यूनाइटेड नेशन एडॉप्ट रिजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म मेंशनिंग हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम। वर्तमान जब आम देखा यूनाइटेड नेशन ले ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन अच्छी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द सेंस जदि यूनाइटेड नेशन कौन सी प्रकार प्रोजेक्ट करा जाए किंबा विश्व को कौन सी मेसेज दिया हुए ना, एक्चुअली यही लैंग्वेज रे यही भाषा रे आम कथा हबु किंबा ऑफिशियली मीटिंग यही भाषा रे करिवु। कौ कौ भाषा रे वर्तमान एक्चुअली ऑफिशियली मीटिंग होउची किंबा प्रोजेक्ट बाहरुची देखिपारथुबे, इंग्लीश, अरबिक, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन एंड स्पानिश। आपण भावुथुबे यही लैंग्वेज काहीकि अलका लैंग्वेज काहीकि नै। आपण जदि जानिथिबे यूनाइटेड नेशन ल परमानेंट मेंबर कौ माने अछन्ति, पांच जन एक्चुअली परमानेंट मेंबर अछन्ति, यूके अछि, यूएसए अछि, फ्रांस अछि, चाइना अछि, रशिया अछि। तेणु फ्रांस पई फ्रेंच भाषा अछि, चाइना पई आमे कहि परबा चाइनीज अछि या फिर मांडारिन अछि, रशियन पई रशिया अछि, इंग्लीश कहा पई अछि ना यूके पई आउ यूएसए पई इंग्लीश अछि, बाकी एक्स्ट्रा भाषा दुटा अछि स्पैनिश अच्छी एंड आरबिक अच्छी। आप भावुवे स्पैनिश आरबिक कहीं ना आरबिक एक्चुअली बहुत छोट छोट आम कहीपर इस्लाम कि मुसलिम देश मैंने बहुत देश सी एक्चुअली पुश करते कि आम बहुत देश में अच्छू भाग भाग हो तेणु आमर गोटे रिप्रेजेटेसन हवा दरकार आरबिक। स्पानिश भी से भाई आम कहीपर स्पेन बोला हूँ स्पानिश को निहाँ कथा उठू स्पेनिश आरबिक जदि रही पार्ला हिंदी कहीं आज पर्यंत रही ना, कारण हिंदी आमे जी देखा ना फोर्थ लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक अच्छे पूरा विश्व रे जी आम देखा चतुर्थ नंबर रे आसी हिंदी स्पीकिंग भाषा किमा एतिकी अमाउंट रे लोक बोलू कहउचंदि से कथा। तेणु हिंदी की आज पर्यंत दिया न होबार कारण एक्चुअली अच्छे आम कहीपर भारत बहुत थोड़ा एक्चुअली एक कथा उठेई कि हिंदी एक्चुअली हौ आमर कहीपर कौन यूनाइटेड नेशन गोटे भाषा बनू, बट कथा उठू यूनाइटेड नेशन बारंबार एक कथा भी कही आसी कि भारत भितर भी बहुत स्टेट अच्छा से माने हिंदी कहू ना एपर्यंत। जदि रिसेंटली आपण बॉलीवुड फिल्म कथा कहब कि हिंदी तेलुगु सिनेमा को लेकिन विभिन्न प्रकार भाषागत रे आम कहीपर कौन न्यूज रे सर्कुलेशन होता प्लस आम कहीपर केरलार जन एमपी अच्छा मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर बोली से एक्चुअली 2014 कि 2015 एक्जाक्टली मन पड़नी से टाइम से एक्चुअली कही भारत सरकार को कि भारत सरकार कौन पाई चाहूँगी हिंदी एज ए यूनाइटेड नेशन गोटे परमानेंट भाषा हाँपी कारण आम तो हिंदी कहूनु। तेणु देखो भारत भितर भी किसी राज्य अच्छा एम चाहूना कि हिंदी एक्चुअली गोटे ग्लोबाल स्तर में विश्व स्तर में भारत को रेकग्नाइज मिलू, बट भारत सरकार बर्तमान सबुठ खुशी ये भारत सरकार कहते किसी कथा नहीं आम विभिन्न प्रकार भारत भितर भाषा कहचु एज ए नेशनल लांगुएज को आम हिंदी धरूचु जदि गोटे भाषा यूनाइटेड नेशन एक्चुअली जमा होगा किमेंपरा आप्रुव होगा तेणु ता माध्यम रे हिंदी माध्यम रे आमे इंडिया को पूरा विश्व रे रिप्रेजेंट करी परिबा। सेकेंड कथा हला आमर जो बहुत दिन लो गोटे स्वप्न अच्छी कि आमे यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर हबा पांच पर छ नंबर जो हबा आमे तो सेथिपाई हबा को पूर्व आम भाषाटा को फास्ट आप्रूव हवा दरकार। तेणु बर्तमान सबुठ कथा जो बड़ रही कि भारत में आम के अधिका संख्यार हिंदी मानने स्पीकिंग स्टेट हो पार प्लस अधिका लोक जिते हिंदी कहे से एक्चुअली अधिका रिप्रेजेंटेशन हम यूनाइटेड नेशन खेर बर्तमान पर एक्चुअली आप्रूव हो जाए कि यापर जहाँ भी यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिलीज हे सोटा एक्चुअली ए छा भाषा सहित हिंदी को एड करा। भिडियो रखा पूर्व गोटे जिनस आपण राय जाना चाहिए कि भारत रे जो विभिन्न भाषा भाषी रे कथा हो आमे ओडिया कथा होचु तेलुगु तमिल ओडिया रे तो खैर ठीक अछि आमे हिंदी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करुचु, बट साउथ स्पीकिंग जो तेलुगु तमिल मलयालम एमाने एक्चुअली टिके हिंदी को सेते जल्दी एक्सेप्ट करू नाहंती। तेणु सेइटा कौन एक्चुअली समस्तक पई गोटे हिंदी नेशनल लांगुएज हबा दरकार कि नुह लोकल लांगुएज रहिबो ओडिया जेमिति रहि सेमिति रहिबो तापर गोटे नेशनल लांगुएज कि हिंदी को समस्त एक्चुअली कहिबा बुझिबा दरकार एमिति सिस्टम भारत रे हबा कि नुह दरकार कि नुह मतामत लिखो। चैनल जी भल लगे इनफर्मेशन भल लगे चैनल को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ। रखुजी नमस्कार।